हेलो दोस्तों एंड वेलकम, आप देख रहे हैं के होम डिजाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस हाउस डिजाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, जिसके डायमेंशन है 20x24 फीट। दोस्तों ये स्क्वायर फीट में आपका हो जाएगा 480 स्क्वायर फीट, और गज की बात करें दोस्तों गज में ये आपका हो जाएगा 53 गज। दोस्तों आज के इस हाउस डिजाइन में दोस्तों मैंने यहाँ पे 1BHK को डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी बनाते हैं तो हर फ्लोर को आप 1BHK डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लॉट तीनों साइड से क्लोज है, इसलिए मैंने दोस्तों कॉर्नर में एक डक्ट दिया हुआ जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से होती रहेंगी। तो अगर आप भी अपने हाउस को डिजाइन करवाना चाहते हो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप पेड सर्विस चाहते हो दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाती है, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना पेड सर्विस ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप एक्सटीरियर व्यू देख रहे हो, एक्सटीरियर डिजाइन देख रहे हो जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसी तरह दोस्तों मैंने इसके इंटीरियर को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी मेहनत करके डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप पसंद अगर आएगी दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप एलिवेशन देख रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों मैंने बड़ी साइज में विंडो को डिजाइन किया हुआ जो कि आपका बेडरूम का विंडो है दोस्तों, कुछ इस तरीके से जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह जो है बेडरूम में प्रॉपर तरीके से होती रहेंगे। देन इस विंडो के बगल में दोस्तों यहाँ पे मैंने दोस्तों मैं लैंडिंग के नीचे मेन डोर को बनाया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों आपका डोर जो है वो आसानी से बन जाएगा, आपको यहाँ पे हाइट आसानी से मिल जाती है। वो कैसे मिलती है मैं आपको इंटीरियर व्यू में दिखाता हूँ। देन अप साइड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने वेंटिलेशन के लिए मल्टी रूम के वेंटिलेशन के लिए जाली दी हुई है कुछ इस तरीके से, ये सीमेंटेड जाली है दोस्तों। आप यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी डिजाइन की जाली मिलती है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से भी दोस्तों आपका वेंटिलेशन जो है वो अच्छी से होती रहेगी। देन ये साइड में दोस्तों यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा रेलिंग को डिजाइन किया जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके का है, जहाँ पर आपका कॉस्ट जो है वो काफ़ी बच जाएगा। देन टॉप की बात करें दोस्तों ये रहेगा दोस्तों आपका रूफ, देन कॉर्नर में दोस्तों यहाँ पे आपका OTS मिल जाती है ना कुछ, यहाँ से दोस्तों आपका वॉशरूम का किचन का वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी। तो ये था दोस्तों आपका एक्सटीरियर व्यू। अब चलिए हम लोग इसका रूफ को हटा करके इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आपको स्टेयर के नीचे दोस्तों आपको मेन डोर मिल जाती है घर के लिए। तो जैसा कि आपको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रहेगा दोस्तों आपका मेन एंट्रेंस है ना, यहाँ से आप घर के अंदर आएंगे। देन यहाँ पे दोस्तों आपको दो स्टेप मिल जाएंगे, इस पे स्टेप पे चढ़ करके आप इस लेवल पे चले आएंगे। देन यहीं पे दोस्तों आप ये फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में एंटर हो जाएंगे। देन यहीं से दोस्तों आप स्टेप पे चढ़ करके टेरिस पे आ सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डिजाइन करेंगे तो यहीं से आपका ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप घर को किराए पर लगाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, आपका घर में जो है वो किराएदार एंटर नहीं होगा, डायरेक्टली वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाता रहेगा। ओके, तो चलिए इस डोर से हम लोग घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर आते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ दोस्तों। यहाँ पे मैंने सोफा सेट लगाया हुआ, टी टेबल लगाया हुआ, इस वॉल पे दोस्तों मैंने काफ़ी खूबसूरत सा डिजाइन बनाया हुआ है। देन सोफा सेट के फ्रंट वॉल पे दोस्तों यहाँ पे आपको टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाती है। टीवी यूनिट के जस्ट बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक डोर दी जाएगी जो कि आपका वॉशरूम का डोर रहेगा दोस्तों। इस वॉशरूम में दोस्तों यहाँ पे आप शावर भी फिट कर सकते हैं, पैन भी फिट कर सकते हैं, देन सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। इसका वेंटिलेशन दोस्तों ये आपको यहाँ पे OTS से कर सकते हैं, ये रहेगा दोस्तों आपका OTS। ओके, ये वॉशरूम का भी वेंटिलेशन यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, देन किचन का भी वेंटिलेशन यहाँ पे आपको अच्छे से हो जाएगी। ओके, ये रहेगा दोस्तों आपका किचन। किचन का भी डोर दोस्तों यहाँ पे आपको लिविंग हॉल से देखने को मिल जाती है। किचन के बाहर में दोस्तों मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन को भी फिट किया हुआ ताकि लिविंग हॉल में जो बंदे रहेंगे वो यहाँ पे हाथ वगैरह धो सकते हैं। तो ये आपका हाथ धोने के लिए स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, देन यहाँ पे आपको किचन भी मिल जाती है। ओके, ये तीन चीज़ यहाँ पे आपका हो गया, आपका ये लिविंग हॉल हो गया, ये आपका ये वॉशरूम हो गया, ये आपका किचन हो गया। देन यहीं पे दोस्तों आपको फ्रंट साइड की ओर यहाँ पे एक डोर दी जाएगी जो कि आपका बेडरूम का डोर रहेगा, ये रहेगा दोस्तों आपका फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ। यहाँ पे दोस्तों वॉल पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है। देन यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाती है, यहाँ पे बेड भी मिल जाती है, देन यहीं पे दोस्तों आपको कबर्ड भी मिल जाती है। देन फ्रंट साइड की ओर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पे बड़ी साइज में आपको विंडो भी मिल जाती है। तो ये था आपका ओवरऑल डिजाइन दोस्तों इस बेडरूम का। ओके, तो ये सिंपल सा ड्राइंग है दोस्तों 20x24 फीट का, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। काफ़ी छोटा सा प्लॉट है, काफ़ी फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पे कुछ भी पसंद आई होगी, डिजाइन पसंद आई होगी, एक्सटीरियर व्यू पसंद आई होगी, इंटीरियर व्यू पसंद आई होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।